with the name of Allah Almighty. Tests of d'Urbervilles. Question answers. Hardy as a novelist. जब हार्डी एज अ नावलिस्ट क्वेश्चन आएगा तो इस टाइटल के नीचे आप डिस्कस क्या क्या करेंगे? आप डिस्कस करेंगे हार्डी का स्टाइल, उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन, उसका आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन और सिंबल्स किस तरह यूज़ करता है। हार्डी पेसिमिस्टिक है, हार्डी का अंदाज, उसकी फिलॉसफी वो पेसिमिस्टिक है। देयर आर ऑल्सो सम क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा ने उठाए हैं, रेज किए हैं मुख्तलिफ ईयर्स में, जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन है, गिव एन अकाउंट ऑफ हार्डी एज अ नावलिस्ट। बताइए हार्डी नावलिस्ट कैसा नावलिस्ट है, विद स्पेशल रेफरेंस टू टेस्ट ऑफ द d'Urbervilles। d'Urbervilles के हवाले से बताइए 2011, 2012 and 2014 ये क्वेश्चन रेज किया गया। क्वेश्चन आया हाउ इज हार्डी स्टाइल, हार्डी का स्टाइल कैसा है। क्वेश्चन थ्री, राइट एन एसे ऑन हार्डीज आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन, हार्डी का प्लॉट कंस्ट्रक्शन का आर्ट कैसा है। प्लॉट स्टोरी का प्लॉट, स्टोरी के इवेंट्स कैसे बनाता है, विद स्पेशल रेफरेंस टू टेस्ट ऑफ d'Urbervilles 2013, 2012 and 2016। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन हार्डीज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, कि करेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है, डिवेलप करता है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द नावल टेस्ट ऑफ द d'Urbervilles 2016। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्कस द रोल ऑफ लैंडस्केप इन द नावल, नावल के अंदर जो मैदान वैराने दिखाए गए हैं, जो स्लोप दिखाए गए हैं, उनका क्या रोल है, क्या वो करेक्टर तो नहीं, क्या वो इवेंट्स को डिटरमाइन तो नहीं करते। हाउ डू डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस मैच द डिवेलपमेंट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की डिवेलपमेंट से कैसे मेल खा जाते हैं, कैसे उसके साथ हार्मनी कर लेते हैं, एग्रीएबल हो जाते हैं प्लेसेस। जब वो किसी इलाके को बताता है, प्लेस को बताता है, तो वहाँ पर होने वाला इवेंट या स्टोरी की डिवेलपमेंट उससे मैच कर जाती है, यानी कि जैसा एटमॉस्फेयर वैसे आगे स्टोरी की मूवमेंट। जैसे कि एक पोएम थी, ला बेले डैम सेंस मर्सी, जॉन कीट्स की पोएम, जिस तरह के करैक्टर के अंदर की फीलिंग्स थी वैसे ही नदी के किनारे पर येलोइश झाड़ियां थी, ब्राउनिश झाड़ियां थी, तो एटमॉस्फेयर वो करैक्टर के इनर को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी तरह एटमॉस्फेयर स्लोप्स लैंडस्केप्स वो स्टोरी के इवेंट्स को डिटरमाइन करती हैं। क्या ऐसा है? डज द पासिंग ऑफ द सीजन्स, मौसम का चेंज होना एंड अदर थिंग्स प्ले एनी सिंबलिक रोल, क्या ये वाकई कोई अलामती किरदार अदा करती हैं चीज़ें? सीज़न तब्दील हो रहा है तो फिर क्या होता है, क्या इससे चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, क्या इनकी कोई सिंबलिक अहमियत है? डेफिनेटली यस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूनिवर्सिटी ने रेज किया, हाउ फॉर हार्डी कैन बी रिगार्डेड एज पेसिमिस्ट नावलिस्ट, कैसे कह सकते हैं हार्डी एक पेसिमिस्ट मायूस नावलिस्ट है। वो जो इवेंट भी क्रिएट करता है, जो मूवमेंट भी करैक्टर की दिखाता है, उसका रिजल्ट मायूसी ही होता है, उससे कोई ट्रेजडी ही जन्म लेती है। 2015, 2012 and 2016, व्हाट पार्ट डज द फिलॉसफिक पार्टी प्ले इन द टेस्ट ऑफ द d'Urbervilles, क्या फिलॉसफी मौजूद है इस क्वेश्चन, इस नावल के अंदर, इसके अंदर पेसिमिस्टिक फिलॉसफी है। 2014, हार्डीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज पेसिमिस्टिक कमेंट। 2016, कमेंट करें हार्डी की फिलॉसफी जो है पेसिमिस्टिक है। इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर है और वो है हार्डी एज अ नावलिस्ट। इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही सिंगल आंसर है
For this, you can contact me. My WhatsApp is 0333-465-305. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Online studies sasti hai as compared to academy mein rozana aane jaane se. Dust, pollution, threat, phir nakam academies, in saari cheezon se chutkara mil jata hai. Ghar mein apne bed par let kar apne atmosphere mein baith kar study kijiye, yahi modern tarika kar hai. Log काम बिजनेस अब घर में बैठ के करते हैं, स्टडीज तो इससे पहले हैं और घर में बैठकर अच्छी स्टडी आप कर सकते हैं अपने मुताबिक. आंसर, सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस. पहला आपने टाइटल देना है, पहला पैराग्राफ है आपका हिज वर्क इज रिदमिक. स्टाइल बता रहा हूं, राइटिंग स्टाइल कैसा है. हिज वर्क इज रिदमिक, रिदम है वर्क में. इमेजिनेटिव और इमेजिनेशन मौजूद है. तखयुल बहुत अच्छा है. हैवी, भारी बरकम फिलासफी होती है. रफ एज्ड, ऐसा लगता है कि उसकी राइटिंग थोड़ी सी रफ है, रफनेस की तरफ इशारा करती है. एंड नेचर ओरिएंटेड, उसकी राइटिंग में नेचर का अमल दखल होता है, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं. तमाम इवेंट्स, तमाम तर राइटिंग. तो राइटिंग के टाइटल में आपने लिखा है कि उसकी राइटिंग रिदमिक है, इमेजिनेटिव है, हैवी है, रफ एज्ड है और नेचर ओरिएंटेड है. आप रिदमिक के ऊपर एक पैराग्राफ बना सकते हैं, इमेजिनेटिव के ऊपर एक पैराग्राफ बना सकते हैं, हैवी, रफ एज्ड या नेचर ओरिएंटेड पर अलग अलग पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं. नहीं कर सकते तो बस इसी को याद रखिए और इसी का एक पैराग्राफ बनाइए राइटिंग का. आपको क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए, खुद से लिखना आना चाहिए. अपने घर के करीब कोई ऐसा टीचर तलाश कीजिए जो आपको क्रिएटिव राइटिंग सिखाए. मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर करने आ गए हैं तो खुद से लिखना आना पहली शर्त है. अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो आप पास नहीं होंगे और यूनिवर्सिटी को आपको पास नहीं करना चाहिए. और आपके पास मास्टर की डिग्री नहीं होनी चाहिए बेटा, आप कैसे पढ़ाएंगे अगर आप खुद ही ठीक तरह से सेंटेंस नहीं क्रिएट कर सकते तो आप लेक्चरशिप गेन करेंगे क्या लिखेंगे. सो अगर कोई आपको अच्छा टीचर नहीं मिलता, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए. आपको मैं 30 लेक्चर्स दूंगा. 10 और 15 मिनट्स का एक लेक्चर है. 30 लेक्चर्स आप लेंगे और उन लेक्चर्स को सुनेंगे और साथ प्रैक्टिस करेंगे. जो मैं कहूँगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे. स्मार्ट, खूबसूरत और आसान कर दिया है. उतनी इंग्लिश मैंने बताई है जितनी इंग्लिश की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा की इंग्लिश मैंने नहीं बताई. क्रिएटिव राइटिंग के लिए कॉन्टेक्ट करेंगे. फर्स्ट आपका राइटिंग आपने बता दी. नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्लॉट. प्लॉट 8 पॉइंट्स हैं प्लॉट के. पहला पैराग्राफ आपका क्रिएट होगा. पॉइंट वन है प्लॉट. प्लॉट किसे कहते हैं देखिए. इनिशियल सिचुएशन, सबसे पहले राइटर इनिशियल सिचुएशन बताता है. राइटर ने टेस्ट के अंदर इनिशियल सिचुएशन क्या बताई. स्टारवेशन, भूख है, लूम्स फॉर द डरबे फील्ड्स. ये डरबे फील्ड जो फैमिली थी जॉन और जोन की और उसके बच्चों की, यहाँ भूख थी. बट दे फाइंड आउट दे हैव नोबल ब्लड, लेकिन उनको पता चला कि वो नोबल ब्लड से हैं, यानी कि वो आला खानदान से हैं. ये इनिशियल सिचुएशन क्रिएट की पोएट ने, राइटर ने प्लॉट में. प्लॉट का दूसरा हिस्सा आया कन्फ्लिक्ट, झगड़ा क्या है, मामला क्या है. टेस इज सेंट टू डर्बेविल फैमिली एंड इज रेप्ड. जब डर्बेविल फैमिली में गई टेस तो वहाँ पर वो रेप्ड हो गई, प्रेग्नेंट हो गई,
उसने एक बेबी को जन्म दिया। इट्स डेथ, बच्चे की मौत हुई, एंड नॉट अप्रूव्ड बाय 19वीं सदी के मॉरल्स ने इसे कबूल नहीं किया। बताइए मैंने इस एक पॉइंट में कितनी बातें कही हैं। अगर आप इनकी डिटेल करने बैठें तो आपका 10 पेज आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्या आप बताएंगे टेस डर्बेविल फैमिली में कैसे गई, किस से मिली? वो एलेक से मिली, एलेक ने उसे स्ट्रॉबेरी खिलाई और वो उसकी मदर से मिली, उसे इंट्रोड्यूस कराया। आप कहेंगे रेप्ड कैसे हुआ, पार्टी से वापस जंगल के अंदर कितनी देर, क्या बात हुई और रात को रेप हुआ तो उसके बाद क्या सूरत हाल थी और किस तरह वो भाग कर गई थी घर, प्रेग्नेंट हुई तो क्या सूरत हाल थी, बच्चे को जन्म दिया तो घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, चर्च ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी इवन की मौत को चर्च के ग्रेवयार्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत लंबी बातें हैं। आपने एक पैराग्राफ तो बना लेंगे, आई होप बना लेंगे। अगर क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती तो आप बस इसी एक लाइन को लिख दीजिएगा, लेकिन पैराग्राफ की सूरत में। पहली बात थी इनिशियल सिचुएशन, दूसरी बात थी कन्फ्लिक्ट, तीसरी बात कम्प्लिकेशन कि इस नावल में फिर कम्प्लिकेशन क्या आ गई। टेस इज नो लॉन्गर अ वर्जन, टेस पाकीज़ा बाकरा प्योर नहीं रही, टेस लीव्स होम टू स्टार्ट फ्रेश, टेस ने घर छोड़ा ताकि कहीं पर जॉब तलाश करे, नई जिंदगी शुरू करे, एंड फॉल्स इन लव विद एंजल और एंजल से मोहब्बत कर बैठी, एंजल मिस्ड द लेटर और एंजल लेटर खो बैठा, उसने लेटर नहीं पढ़ा जो कि टेस के माजी के बारे में था, ताकि एंजल क्लियर हो जाए कि शादी करनी भी है कि नहीं करनी। ये कॉम्प्लिकेशन है, पैराग्राफ बन सकता है। क्लाइमेक्स हेडिंग दे दीजिए, बेशक सारी हेडिंग, इनिशियल सिचुएशन कन्फ्लिक्ट कॉम्प्लिकेशन क्लाइमेक्स हेडिंग आप देकर नीचे पैराग्राफ क्रिएट करें। क्लाइमेक्स क्या है, अरूज क्या है नावल का, स्टोरी का अरूज। टेस कन्फेसेस हर हिस्ट्री, टेस ने कन्फेस की अपनी हिस्ट्री टू एंजल ऑन देयर वेडिंग नाइट। वेडिंग नाइट को उसने कहा कि मैं एलेक से रेप्ड हुई और मेरा एक बच्चा हुआ जो मर गया, ये कहा, ये क्लाइमेक्स था। सस्पेंस, एक नया मोड़ आ गया, सस्पेंस ये हुआ एंजल अबैंडन्स हर, एंजल ने उसे रिजेक्ट कर दिया, एंड एलेक स्टार्ट्स हरासिंग हर अगेन और एलेक वापस आ गया। और जब एंजल ब्राजील था तो एलेक कहता था मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ रहो, उसे डराता था। एंड क्या हुआ, एंड की हेडिंग आई डेथ ऑफ फादर, किसके फादर की डेथ हुई, टेस के, एंड एंजल आर रीयूनाइटेड, नहीं डेथ ऑफ फादर, पॉवर्टी ऑफ फैमिली, फैमिली अटर पॉवर्टी में आ गई, होमलेस हो गई, हाउसलेस हो गई। एलेक एग्रीज टेस, एलेक ने टेस को फिर मना लिया, एंड प्रोवाइड शेल्टर टू फैमिली, फैमिली को कहा कि जाओ मेरे घर में जाकर रहो, डर्बेविल्स हाउस में जाकर रहो। कंक्लूजन की हेडिंग दें, टेस एंड एंजल आर रीयूनाइटेड, फिर एंजल वापस आ गया और टेस और एंजल मिल गए आपस में। सो टेस मर्डर्स एलेक, और टेस ने आखिरकार एलेक के सीने में छुरा घोंपा, इज अरेस्टेड और वो अरेस्ट हो गई एंड हैंग्ड, और उसको तख्ता दार पर चढ़ा दिया गया, उसे फांसी दे दी गई। 8 पॉइंट, प्लॉट इज ब्रिम विद ट्विस्ट्स। अब आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं जिसमें लिखें प्लॉट इज ब्रिम विद ट्विस्ट, प्लॉट के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, इमोशंस हैं, जज्बात हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं, होप्स हैं, सिकनेस है, बीमारियां हैं, इसमें कोई बीमार है, डेथ्स हैं, अमवात हुई हैं, एलेक की डेथ, टेस के फादर की डेथ, सारो टेस के बेटे की डेथ, मर्डर्स हैं, मैरिजेस हैं, लस्ट है, वैल्यूज ऑफ 19th सेंचुरी, एंड सीन्स हैं, पेसिमिज्म है इसके अंदर, प्लॉट के अंदर। अब ये लास्ट में आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं। अगर इस पैराग्राफ को देखें तो एक एक लफ्ज पर फिर एक एक पैराग्राफ बन सकता है, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। मजदूर नहीं बनना, ढेर का ढेर सर पर लाद नहीं लेना याद करने के लिए, थोड़ा याद करना है, सेल्फ राइटिंग करनी है।
समझें बात को। जो अनथक बेपनाह मेहनत करता है वो मजदूर है या गधा है या घोड़ा है। तरक्की करनी है तो मेहनत के साथ जहन का भी इस्तेमाल करना होगा, फिर तरक्की होगी। सुनाई सफियो, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट हिस्सा करैक्टराइजेशन, आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन, देखते हैं नेक्स्ट।